हाँ दोस्तों, मार्केट आ चुके हैं, बस यहाँ से मेन मार्केट थोड़ा ही दूर में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है नितीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों भी सुबह के 9 बज चुके। दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। हाँ दोस्तों भी मेरे धर्म पत्नी जी नहा लिए और अभी पूजा करेगी। दोस्तों पूजा भी नहीं की, पूजा करने के बाद खाना खाएगी। और अभी दोस्तों हम भी नहीं खाए हैं, अभी ब्रश किए हैं, ब्रश करके मुंह धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। दोस्तों मेरा थोड़ा आवाज़ अजीब निकल रहा होगा क्योंकि सर्दी हो चुका है दोस्तों, थोड़ा एकदम नाक जाम हो जाता है, परेशान हो जाते हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब सर्दी पकड़ता है हमको, तो हमको बहुत अजीब सा लगता है। और अभी खाना खाने के बाद दोस्तों जाएंगे गिरिडीह शहर मार्केट, और मार्केट जाएंगे क्योंकि मेरी वाइफ का जो दवा था सो दवा ख़त्म हो चुका है, एक दिन पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज जाएंगे, आज लेके आएंगे। और हम लोग के यहाँ से दोस्तों गिरिडीह करीब 30 किलोमीटर पड़ता है और 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट आज जिला गिरिडीह है, लेकिन हम लोग थोड़ा मार्केट से थोड़ा दूर रहते हैं क्या जी। और तो अभी जाएंगे और देखते हैं दवा मिलता है, तो दवा तो इधर लोकल में तो मिलता नहीं है, देख लेते हैं एक बार गिरिडीह में भी 2-4 मेडिकल जाके अगर दवा मिला तो ठीक है ले लेंगे। हमको तो उम्मीद कम है क्योंकि एक बार ट्राई किए थे नहीं मिला था, बोला था लाएंगे नेक्स्ट टाइम से, तो देखते हैं अगर मिल जाते तो ठीक है। और अभी हम लोग रांची नहीं जा पा रहे क्योंकि तब मम्मी का हालत आप लोग को दिखाया, भी पहले भी बताया कि मम्मी कैसी है, मेरी पैर अभी फ्रैक्चर हो चुका है, तो भी अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद बैंडेज ऐसे खुलवाएंगे। दोस्तों पक्का बैंडेज करवाए थे, तो अभी देखते हैं, खुलवाने के बाद भी रेस्ट करने देंगे मम्मी को करीब एक सप्ताह बाद ही जाना पड़ेगा, 15 दिन तक। और डॉक्टर हम लोग को बुलाए थे दोस्तों 7 तारीख को। हाँ दोस्तों अब जा रही है मेरे धर्मपति जी पूजा करने के लिए, और पूजा करेगी इसके बाद फिर दोस्तों हम निकलेंगे दवा लाने के लिए अपनी वाइफ के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों आने वाला है वो वीडियो आएगा इतनी कम उम्र में मेरी वाइफ को हार्ट का ऑपरेशन क्यों करना पड़ा था, वो चीज़ें आप लोगों को बताएंगे डिटेल्स में। पूजा करने के बाद और खाना लगा दिए मेरी धर्मपत्नी जी और खुद खा रही है, और हम भी चले अब खाने के लिए। देखिए दोस्तों माड़ भात और आलू का चोखा, और साथ में क्या लिए जी, अचार, कुच्चा है कि अचार है? नींबू का अचार है। नींबू का अचार है। मेरे साथ बेमानी का है कि हमको नहीं दी? आपने खाते हैं ना इसीलिए। नींबू वाला तो अच्छा लगता है, आम वाला खत्म हो गया? नहीं आम वाला भी है। चलो कभी कभी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। हाँ दोस्तों खाना खा लिए हैं और अब चलेंगे दोस्तों दवा लाने के लिए, और टी शर्ट पहने हुए हैं, यही टी शर्ट पहन के जाएंगे। और फिलहाल दोस्तों अभी दवा का जो कागज डॉक्टर साहब दिए थे वो ले लिए हैं, पारस का है जी, एक बार हम लोग पारस में दिखाए थे ना उस दिन, बाकी हम लोग मेडिका में ही दिखाते हैं हमेशा। लो यही वाला तो चलते हैं ना, दो ही दवा तो लाना ही है। और कुछ पैसा जी आपके पास होगा? ना तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। हाँ दोस्तों अब चले, हेलमेट भी लगा चुके हैं, और जल्द पानी जी लो, लेकिन पानी डाल दो। और बहुत तेज धूप लगता है तो इसीलिए गमछा भी ले लिए हैं साथ में, और हेलमेट तो लगाना बहुत जरूरी होता है, बिना हेलमेट का तो हम घर से निकलते भी नहीं है। जा रहे जी, बाय बाय। कुछ ला देंगे क्या? बस दवा देखते हैं। थोड़ा दूर तक आ चुके हैं और अभी रुके हुए थे एक जगह छाया में, थोड़ा सा पानी पी रहे थे, बहुत तेज धूप है दोस्तों, और अब यहाँ से निकलेंगे, पानी पी लिए, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए क्योंकि बहुत तेज धूप है।
हाँ दोस्तों, मार्केट आ चुके हैं। बस यहाँ से मेन मार्केट थोड़ा ही दूर में है, तो उससे पहले कविता मेडिकल हॉल है, देख लेते हैं। यहाँ पे मिल जाता है तो बेहतरीन है, और नहीं मिलेगा फिर आगे जाएंगे। देखिए दवा मिलेगा एसिट्रॉन। मिल जाएगा सर। हाँ दोस्तों, दवा मिल चुका है, ले लिए हैं, और ज़्यादा दिन का नहीं लिया है, 15 दिन का ही लिए हैं, क्योंकि नेक्स्ट बार रांची जाएंगे। हमको लगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया यहीं पे। और यहाँ से दोस्तों मेन मार्केट में नहीं है, मेन मार्केट से थोड़ा पहले ही है, मतलब कविता मेडिकल है ये, और गिरिडीह में इसका 2-3 ब्रांच है। तो दवा ले चुके हैं, और अब चले दोस्तों घर। अभी तो घर नहीं जाएंगे, फिलहाल कुछ परचेज करना है, देखते हैं क्या परचेज करेंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे। और अभी रोड पे ये कुछ फल उल ले लेते हैं खाने के लिए, बहुत तेज़ गर्मी भी है, बहुत तेज़ धूप है, इसके बाद फिर निकल जाएंगे यहाँ से घर, तो ये देखते हैं। और एक ख़ास जगह है दोस्तों, पचम्बा बोड़ो, और यहीं पे दवा मिल गया, बहुत अच्छी बात है, हमको गिरिडीह जाना नहीं पड़ा। गिरिडीह यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो बस अब यहीं से कुछ लेंगे, देखते हैं कुछ मिल जाएगा, फल उल जो बोली थी मिल जाएगा, तो यहीं पे खरीद के परचेज करके वापस रिटर्न से घर चलेंगे। हाँ दोस्तों, मार्केट से फाइनली दवा लेके आ चुके हैं घर, और क्या क्या लेके आए साथ में दोस्तों उस चीज़ पर आप लोगों को दिखाएंगे। और बहुत तेज़ धूप था दोस्तों, बहुत तेज़, एकदम हालत ख़राब हो जा रहा था, क्या करेंगे, मजबूरी था जाना दोस्तों, नहीं जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए जाना ज़रूरी था। चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, कोई भी सिचुएशन हो, दवा लाना तो ज़रूरी ही था। और दोस्तों चलिए पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या सामान परचेज करके ला दिए अपनी वाइफ के लिए। हाँ दोस्तों, भी मेरे धर्मपत्नी जी आप लोगों को दिखा रही है क्या क्या ला दिए हैं। चलिए जी, इधर देखिए दोस्तों, ये रहा अनार। अनार ला दिए, इसको अनार खाना बहुत ज़्यादा है, जितना हो सके उतना खाएगी, उतना फायदा है इसके लिए। अनार रहा इसमें, देखिए कितना सारा ला दिए हैं अनार, 1 केजी है। हाँ 1 केजी है ला दिए हैं, ताकि खाएगी ना, अच्छा है। और दोस्तों आम ला दिए हैं, देखिए कितना खुश हो गई प्रीति जी, एक ही आम लाए हैं, लेकिन अभी का उतना अच्छा खाने में लगेगा क्या नहीं पता नहीं, अभी के आम इतना मीठा भी नहीं लगता और बहुत महंगा मिलता है यहाँ। एक ही लाए हैं, तो चलो देखते हैं, पहले ट्राई करते हैं, अभी अभी पका हुआ आम का समय नहीं है ना, बाजार का आम खाने में कैसा लगेगा क्या पता। और इधर रहा ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम गठिया बोलते हैं, गठिया, जैसे लाए वैसे फाड़ के खा गई। देखिए ये कैसे खा रही है, असर बसर लग रहा होगा ना, अच्छा लगता है, रखो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, ज्यादा नहीं खाना है, ठीक। डॉक्टर का कागज रहा दोस्तों, जो लेके गए थे ले आए, दवा 15 दिन का ही लिए हैं जी, ज्यादा दिन का नहीं लिए हैं, रांची जाना है इसलिए, फिर आ दोस्तों दवा 15 दिन के लिए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 5, 15 ये वाला है, 5, 15 और ये वाला है, दोनों अलग अलग है, दो दवा। अब खुश, दवा आ गया, दवा शाम टाइम पे खाना है, ठीक है। कुछ दवा खाते खाते लगता है कि दवा खाना है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ता है। हाँ दोस्तों, भी आप लोगों को दिखाए क्या क्या सामान खाने के लिए ला दिए थे, फल, एक आम, और एक गठिया ला दिए, मोटा मोटा वाला गठिया बोलते हैं, बैसन वाला, तो और दवा, और साथ में दवा भी ला दिए हैं दोस्तों। दवा खत्म हो चुका था, सुबह वाला दवा है, शाम का दवा खत्म हो चुका था, रात वाला जो 9 बजे रात खाती है उसको खाना चाहिए 6 बजे, लेकिन खाती है 9 बजे, क्योंकि कभी भी खा सकते हैं 6 बजे के बाद, कभी भी खास के सो सकते हैं 10 बजे से पहले, डॉक्टर बोले फिर नहीं खाना, लेकिन दवा रेगुलर खाना, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, डॉक्टर मना किए हैं, एक दिन
दिक्कत हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बस अब यहीं समाप्त करते हैं, और इस चैनल पे जो नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जवाहर।